आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, और ये सारे क्वेश्चंस रेलवे में पूछा जा चुका है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे, और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इसमें दिया गया साधारण ब्याज की किस दर से, ठीक है, रेट बोला गया है, तो किस दर से 750 रुपया 5 वर्ष का मिश्रधन 900 रुपया हो जाएगा। तो यह मूलधन कितना है, तो मूलधन है 750 रुपया, और ये 5 वर्ष में टाइम कितना है, 5 ईयर्स, और हो कितना जा रहा है, तो 900 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो बोला गया है रेट निकालने, तो बहुत ही इजी ट्रिक से हम लोग निकालेंगे, लेकिन इसका बेसिक तरीका पहले देख लेते हैं। तो देखिए इसका बेसिक तरीका क्या है, अमाउंट हम लोग को पता है और पी हम लोग को पता है, तो अमाउंट से अगर पी को माइनस करेंगे तो ऐसा ही हम लोग का निकल जाएगा। अमाउंट से पी को माइनस करेंगे तो ऐसा ही निकल के आ जाएगा। तो अमाउंट हम लोग का 900 है और पी हम लोगों का 750 है, इज इक्वल टू ऐसा ही, इससे इसको घटा दीजिए, तो इससे इसको घटाएंगे तो आएगा हम लोग का 150, इज इक्वल टू ऐसा ही। तो ऐसा ही हम लोग का निकल के आ गया। अब ऐसा ही निकलने के बाद अगर हम लोग ऐसा ही का फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जो बेसिक तरीका है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, इसमें पुट करेंगे तो रेट इजिली निकलेगा। तो निकाल लेते हैं, तो ऐसा ही कितना है, ऐसा ही है 150, इज इक्वल टू पी है 750 इंटू आर निकालना है, और टाइम दिया गया है 5 ईयर डिवाइड बाय 100। बस इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा, बहुत ही इजी तरीका है। और फिर इसके बाद इसका ट्रिक भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 150 जो है और ये 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 750 इधर डिवाइड में आएगा, ये 5p इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर। अब जो जो काटेगा वो काट देना है, ठीक है। तो 0 0 1 कट जाएगा 5 का टेबल में, ये 15 का टेबल में, 15 5 से 75 होता है, अब 5 का टेबल में ये 20 बार में, फिर 5 का टेबल में ये 4 बार में, तो आर कितना निकल के आ गया, 4%, ठीक है। एक ये तरीका है, और एक तरीका हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट में बना सकते हैं इसको, तो वो वाला तरीका देख लेते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक, ये 750 रुपया जो है ये पढ़ के ही पता चल जा रहा है ये मूलधन है, तो लिखने का तो कोई जरूरत नहीं है, और 5 वर्ष में मिश्रधन इतना रुपया हो जा रहा है, तो 750 रुपया था अब हो जा रहा है 900 रुपया, तो कितना बढ़ रहा है, वही ना इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो 750 रुपया आपके पास था, 900 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ा, तो देख लीजिए इस चीज़ को माइनस कर दीजिए, 750 से 900 को अगर 750 को माइनस कर देंगे तो आएगा 150, ठीक है। 900 से 750 को माइनस करेंगे तो 150 आएगा, 150 क्या है, ये इंटरेस्ट है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसके लिए क्या आप 10 बार लिखने का जरूरत नहीं है। तो 150 हम लोग का इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट कितना दिन का है, तो ये 5 साल का इंटरेस्ट है, क्लियर है। तो जो रेट निकल के आएगा वो 5 साल का निकल के आ जाएगा, फिर 1 साल में कन्वर्ट कर देना है, तो 150 निकला इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हम लोग को किससे मिलता है, तो मूलधन से मिलता है, तो मूलधन कितना है, तो 750 रुपया है, 750 रुपया आप लगाएं, उससे मिला 150 रुपया इंटरेस्ट, तो ये भिन्न बन गया। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 5 से 75, 5 का टेबल में ये 20 बार में, तो 20% ये कितना साल का है, तो 20% ये 5 ईयर का आया, ठीक है, ईयरली नहीं है, 20% 5 ईयर में इसको मिलेगा। तो 1 साल का हम लोग को रेट पूछा जाता है, ईयरली पूछा जाता है, तो 5 साल में अगर 20%, तो 1 साल के लिए 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 4 या 20, 4% ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो दोनों तरीका जानना जरूरी है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया किया गया है, तो इसमें दिया गया है 5000 रुपया पर 2 वर्ष में जो ब्याज की राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर 25 रुपया है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, 5000 रुपया क्या कर रहा है, ये 2 बैंक में लगा रहा है, 2 वर्ष के लिए लगा रहा है और 2 अलग अलग बैंक में लगा रहा है, ठीक है, 2 साल के लिए भी लगा रहा है, 2 अलग अलग बैंक में लगा रहा है। तो ब्याज जो मिल रहा है, मतलब जो उसको फायदा हो रहा है, वो 25 रुपया का डिफरेंस आ जा रहा है, मतलब एक में 25 रुपया ज्यादा मिल रहा है और एक में 25 रुपया कम मिल रहा है, ये कहना चाहता है। तो सोचिए जो 25 रुपया ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें इंटरेस्ट रेट जो है उसका ज्यादा है, ठीक है, तो कितना ज्यादा है वो पूछा गया है, ठीक है, दोनों बैंकों के ब्याज दर में अंतर कितना है, रेट का डिफरेंस पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, यहाँ पूछा ही गया है कि दोनों बैंकों के ब्याज का अंतर, तो इसका कुछ ब्याज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, और इसका भी कुछ ब्याज मिलेगा, कि दो बैंक है, ये पहला बैंक ये दूसरा बैंक, तो दो बैंक का जो ब्याज है ये दोनों का अंतर, मतलब माइनस दोनों का अंतर कितना है, तो 25 रुपया ये दिया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, फिर माइनस है तो माइनस करेंगे, फिर इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज इक्वल टू 25, यही है। अब पी कितना है, तो 5000 रुपया है, ठीक है, 5000 रुपया को किस रेट से लगा रहा है वो हम लोग को फाइंड करना है, कि दोनों का रेट का अंतर। तो मान लेते ये रेट 1 है,
और इसको रेट टू मान लेते हैं, ये सबको वन कर देते हैं ठीक है, और इस सबको टू कर देते हैं ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। तो 5,000 रुपया ही लगा रहा है इसी बैंक में, और इस बैंक में भी क्या कर रहा है, इसी 5,000 रुपयों को अगर दे देता, क्लियर है ना, दोनों में एक ही पैसा को लगा रहा है, तो ब्याज का अंतर हो रहा है 25 रुपया, ये बोला गया है। तो टाइम यहाँ पे 2 साल का है, बाय 100, फिर माइनस पी कितना है, तो 5,000 ही लगा रहा है और रेट 2 है, ये दोनों का अंतर हम लोग को करना है, फिर इन टू टाइम कितना है 2 साल, डिवाइड 100 इज इक्वल टू कितना 25। बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सिंपल कैलकुलेशन है, तो हम लोग का रेट का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना होगा 50 इंटू 2, 100 R1 है तो R1 हो जाएगा 100 R1, फिर माइनस इसको, फिर वही 2 जीरो कट गया तो 50 इंटू 2 हो जाएगा 100 R2 इज इक्वल टू 25। अब दोनों 100 है ठीक है, तो दोनों 100 है अगर दोनों में, तो 100 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा R1 माइनस R2, और यही हम लोग को निकालना है कि दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 25। अब लिखेंगे R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 25, और ये जो मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू किस पर आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 25 का टेबल में 1 बार में, ये 4 बार में। अब इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.25 आएगा, और किस में आएगा, परसेंट में आएगा। अब इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, रेट है और ये फॉर्मूला में लगाते हैं तो परसेंट में ही आता है रेट, क्लियर है। तो 0.25 ये दोनों का आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों रेट का डिफरेंस 0.25 का ही है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाएगा, ठीक है, अपने का दोगुना हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग पहले बेसिक तरीका देखेंगे, तो कितने वर्ष में, तो रेट हम लोग, टाइम हम लोग को निकालना है, कितने वर्ष में ये बोला गया है। कोई धन, तो धन हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपया है, 3% वार्षिक दर से, रेट क्या है तो 3% ईयरली है, वार्षिक दर से अपने का दुगुना हो जाएगा, अपने का दुगुना हो जाएगा, तो दुगुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, वो क्या होता है, वो अमाउंट होता है, क्लियर है। तो दुगुना हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो 200 अगर हो गया तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो ऐसा ही हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा ही इक्वल टू क्या हो जाता है, ए माइनस पी, तो इसे इसको डायरेक्टली माइनस कर देंगे तो हम लोग का 100 आ जाएगा। अब बस इस फॉर्मूला में लगा देना है ऐसा ही वाला, ऐसा ही इक्वल टू क्या, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो ऐसा ही दिया गया, 100 हम लोग का निकला, इज इक्वल टू पी हम लोग का कितना है, तो पी देखिए 100 है और रेट कितना है 3 है और टाइम हम लोग को फाइंड करना है, डिवाइड बाई 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, इधर बचेगा 100, ये 3 जो है मल्टीप्लाई में इस पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू टी। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 33 पूर्णांक 1/3, ठीक है, 33 पूर्णांक 1/3 ईयरली होगा, परसेंट हम लिख रहे थे, ईयर्स होगा, ठीक है, तो इतना ईयर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग, ये बेसिक तरीका था, अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन, सेम इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो सब में भी बना चुके हैं, तो जाके देखिए तो अच्छा से और क्लियर होगा। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, 3% रेट दिया गया है और दुगुना हो रहा है, और कुछ देखना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली देखेंगे दुगुना है तो 2 है, ठीक है, दुगुना मतलब क्या, 2 तो 1 कम कर दीजिए, दुगुना है मतलब 200 होगा तो 100 कम कर दीजिए तो 100 हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे समझिए दुगुना है ना तो 2 लिखिए और उसमें से 1 कम करेंगे तो 100, क्लियर है, दुगुना बोलेगा तो 1 कम करके लिखेंगे 100 हो जाएगा, और डिवाइड कर देना है जो भी बोला जाएगा, यहाँ पर रेट 3% है तो 3 से डिवाइड, डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा, तो 33 1/3 पर, ये ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये इतना ईयर। यहाँ पे अगर परसेंट में दिया गया है, इसका मतलब ये क्या है, ये रेट है, तो ईयर निकालने बोला गया है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है, यहाँ पे अगर ईयर रहता तो रेट निकालने बोलता, दोनों का प्रोसेस सेम रहता, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अगर 300 बोलता तो 200 लिखते, 4 गुना बोलता तो 300 लिखते, 5 गुना बोलता तो 1 कम कर दीजिए, 5 से 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा तो 400 लिखते हैं, क्लियर है। 3 गुना बोलता तो 300 हो रहा है लेकिन 200 लिखते हैं, उसी तरीके से 2 गुना बोला गया है तो 200 ना लिख करके 100 लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग डायरेक्टली ट्रिक से बनाएंगे, इसका बेसिक तरीका अगर देखना है तो पिछला वीडियो सब देख सकते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसमें दिया गया है यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर बराबर हो, यहाँ पे बोला गया है रेट और टाइम इक्वल है, ठीक है, वर्षों की संख्या मतलब टाइम और दर, दर मतलब रेट बराबर हो बोला गया है। जब रेट और टाइम बराबर हो तो दर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर SI बाई पी इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि वर्षों की संख्या और दर प्रतिशत बराबर हो तो धनराशि पर
साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, तो किसके साथ का लगा है वो देखना है। तो मूलधन का, तो मूलधन के साथ का लगा है इसका मतलब नीचे वाला मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो मूलधन का लगा है इसका मतलब नीचे वाला मूलधन, मतलब मूलधन कितना, चार। तो मूलधन को ही पी बोलते हैं, प्रिंसिपल, तो यहाँ पे चार लिख देना है। और मूलधन का क्या मिल रहा है, साधारण ब्याज मिल रहा है मूलधन का 1/4, ठीक है। तो मतलब ऊपर वाला जो है ये साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज की जगह पे 1 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई में 100। अब इसको रूट से अगर निकालेंगे तो 100 का 10 निकल जाएगा, फिर 4 का 2 निकल जाएगा, 2 का टेबल में ये 5 बार में कट जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा 5%। ये रेट ही बोला गया था, ठीक है। अगर टाइम भी बोलता तो टाइम क्या होता, 5 ईयर हो जाता, उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर रेट बोला जाएगा तो भी ये फॉर्मूला लगाना है, अगर टाइम बोलेगा तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे, जब दोनों रेट और टाइम इक्वल हो। क्लियर है, तो आंसर हम लोग का 5% हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 के जैसे ही है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। इसमें दिया गया है एक बैंक में कुछ राशि जमा की, ठीक है, जो 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है, तो दुगुना हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, दोगुना है तो 2 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, 1 कम करके और 2 को 0 बैठा देंगे, ठीक है। अगर 3 गुना रहता तो 200 लिखते, 4 गुना रहता तो 300 लिखते, 1 1 कम करके लिखते, 5 गुना रहता तो 5 से 1 कम क्या होगा, 4, 5 गुना रहता तो 400 लिखते, 6 गुना रहता तो 500 लिखते, कोई कन्फ्यूजन नहीं। उसी तरीके से 2 गुना है तो 100 लिखेंगे, और कितना वर्ष में, 10 वर्ष में है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 10 निकल के आ जाएगा, 10%। रेट पूछा गया है, अगर टाइम पूछता तो यहाँ पे रेट दिया जाता, क्लियर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में उसमें रेट दिया गया था और टाइम पूछा था, और इसमें टाइम दिया गया है और रेट पूछा है, तो दोनों एक ही टाइप से बनेगा, तो 10% हम लोग का आंसर हो जाएगा, 10% क्या, ईयरली। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।